दोस्तों, मैं किशोर कुमार, किजन टेक कंप्यूटर, पूर्णिया, बिहार से। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑफलाइन मैप के बारे में, जो कि विंडोज़ 10 का इनबिल्ड फीचर है। इससे पहले विंडोज़ 7 में ये आपको ऑफलाइन मैप का फीचर नहीं था, लेकिन विंडोज़ 10 में ये ऑफलाइन मैप का फीचर दिया गया है। एक्चुअली ऑफलाइन मैप में आप जैसे मान लीजिए आपको कहीं से बिहार से पटना या बिहार से दिल्ली का मैप देखना हो तो आपको ऑनलाइन जा करके देखना पड़ता था और बार बार उसमें आपका डेटा जो है यूटिलाइज होता था। लेकिन ऑफलाइन मैप में है, आप एक बार इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद उसमें जो भी लोकेशन का आपको देखना है उसमें आपका नेट का यूसेस नहीं होगा, और वो जब तक विंडोज़ आपका परमानेंटली इंस्टॉल्ड है तब तक वो ऑफलाइन मैप आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि हमको बार बार कोई भी चीज़ नेट, अगर हमारे पास नेट नहीं भी होगा तो भी हम मैप पे जिस लोकेशन के बारे में जानकारी चाहेंगे उस लोकेशन को देख सकते हैं। क्या डिस्टेंस है, रूट क्या है, ये सारा ऑफलाइन मैप में हम देख सकते हैं। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करें, कैसे इंस्टॉल करें, इसके लिए हम को सेटिंग्स में जाना होगा, और सेटिंग्स में कुछ सेटिंग्स इनेबल करने होंगे, ऑफलाइन मैप पहले इंस्टॉल करने होंगे। वो कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट में, सेटिंग्स में, ऐप्स में, ऑफलाइन मैप। इसमें मैंने कुछ मैप जो है पहले से इंस्टॉल कर रखा है, जैसे बिहार, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरला। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप डाउनलोड मैप पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड मैप पे क्लिक करने के बाद आपको मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है अफ्रीका, एशिया, आपको जहाँ का भी डाउनलोड करना है, मान लीजिए मुझे एशिया का करना है तो एशिया का सारा कंट्री जो है इसमें आ जाएगा। मान लीजिए मुझे इंडिया का करना है तो इंडिया में जो भी स्टेट है वो सारा स्टेट आ जाएगा। आपको जो भी इंस्टॉल करना है, अगर सारा करना है तो सारा पे कीजिए। आपका यहाँ पे साइज भी लिखा होगा, लगभग ये 2 GB के आस, पौने 2 GB के आसपास है। और हमने जो है आपका बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरला, ये डाउनलोड कर लिया है। आपको जो भी होगा, जैसे ही इस पे आप मान लीजिए क्लिक करेंगे, जैसे हरियाणा और दिल्ली, इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है आपका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, हमें इसकी आवश्यकता है नहीं, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा ऑफलाइन मैप जो कैसे इंस्टॉल करते हैं ये तो आपको पता लग गया है। अब मान लीजिए इसमें लोकेशन देखना है तो यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए मैप, यहाँ पे आपको अब मैप्स आएगा, मैप्स पे क्लिक कीजिए। हम लोग जो है पटना से दिल्ली का चेक करते हैं डायरेक्शन, पटना दिल्ली गेट डायरेक्शन। ये देखिए पूरा रूट जो है आपको दिखा रहा है कैसे कैसे जाना है पटना बिहार से दिल्ली के लिए। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कितने घंटे का की दूरी है, तो 26 घंटा 55 मिनट। इस तरह से जो है आप इसमें सारा मैप में देख सकते हैं आप ऑफलाइन। तो आज आपने देख लिया है कि ऑफलाइन मैप जो है हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसमें डायरेक्शन जो है हम चेक करते हैं। मैन्युअली जो है डायरेक्शन चेक करना तो लगभग सबको आता है, तो मैप कैसे इंस्टॉल करते हैं ये आपने सीख लिया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि।